लखनऊ से एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर सीएम योगी ने जुबानी वार किया है। यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुख्यमंत्री योगी का सवाल कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे का समर्थन करती है क्या? धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस क्या कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है? पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड क्या कांग्रेस पार्टी शुरू करना चाहती है? इसके समर्थन में वो है? ये तमाम सवाल योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं। अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को। तो आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने तीखे जुबानी हमले किए कांग्रेस पार्टी पर। और ये सवाल तो बनते हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अपनी बातें रखती है, उस आधार पर ये सवाल तैयार किए हैं सीएम योगी ने और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनसे सवाल किया गया है कि आप बताएं कि आप इन मुद्दों पर समर्थन करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि आप गठबंधन कर चुके हैं। ये बड़े सवाल जो दागे गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान आता है तो आपको बताएंगे इस पर जवाब क्या दिया जाता है।